4 नवंबर की पड़ी है। आप सब लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और गणेश जी सदैव आपके घर में विराजमान रहे, ऐसी कामना करते हुए आप सभी भक्तों को मेरा आशीर्वाद। 4 नवंबर रात्रि के समय 6:10 से लेकर रात्रि के 8 तक शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आपके घर लक्ष्मी जी विराजमान होंगी। लक्ष्मी जी को मनाने के लिए अनेकों उपाय हैं। किसी गरीब का कभी दिल ना दुखाए। कभी आप किसी का दिल दुखाएंगे तो वैसे ही आपके घर लक्ष्मी विराजमान नहीं होती। खुशियां बांटने का त्योहार ही दीपावली है। जिस प्रकार से अगर आप किसी को आनंद की प्राप्ति कराएंगे तो आपको स्वयं आनंद की प्राप्ति होती है। किसी गरीब के घर में दिवाली मनेगी तो आपके घर वैसे ही मन जाए। यह त्योहार भगवान श्री राम के विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब भगवान श्री राम रावण का वध करके माता सीता के साथ साथ लक्ष्मण जी और हनुमान जी अयोध्या में विराजमान होते हैं, पूरे शहर को साफ सफाई से नहला दिया जाता है, दीपक जलते हैं, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी का त्योहार। भगवान श्री राम के अयोध्या में वास होने की खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन आप रात्रि के समय जो भी कार्य करेंगे वह सब फलित हो जाते हैं। अगर रात्रि के समय 6:10 से लेकर 8 के बीच में आप पूजा करेंगे तो आपके घर धन ही धन रहेगा, खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन इन खुशियों को दोगुना कर सकते हैं आप लोग एक छोटे छोटे से उपाय से। रात्रि के समय 2 दीपक, 4 दीपक जलाएं, उसके अंदर कुछ दाने चावल के डालें, और एक चांदी का सिक्का 4 दिया अपने मेन डोर के आगे रखें और ये सारी रात्रि जलना चाहिए। 6:10 से लेकर 8 के बीच में ये दीपक जलाएं और ये सारी रात्रि आपके घर के बाहर और एक आपके मंदिर के अंदर, और जो भी आप चाहें वह मांगे आपको वह मिलकर ही रहेगा। सच्चे मन से आप कोई भी पूजा करेंगे, ध्यान लगाएंगे, ध्यान मुद्रा में जाएंगे, वह कार्य दीपावली हो या कोई भी त्योहार हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दीपावली खुशियों भरा त्योहार है। हर एक से मिलिए, पुरानी दुश्मनी को खत्म कर दीजिए। दुश्मनी खत्म करके आप लोग जब नया त्योहार मनाएंगे तो आपके अंदर एक अलग प्रकार से ऊर्जा निकलेगी। वह ऊर्जा आपको काम करने की शक्ति देगी। जब आप अत्यधिक काम करेंगे, बिना टेंशन के रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, तो आपके घर अत्यधिक धन आएगा और अत्यधिक धन आने की वजह से लक्ष्मी जी आपके घर ही विराजमान हो जाएंगे। बेवजह की
जो हम टेंशन लेते हैं और टेंशन देते हैं, इसी के बीच में ही हमारी दीपावली रुक जाती है। दीपावली रोज ही है। आप देखें कि आप खुश हैं और आप अनेकों कार्य कर रहे हैं, तो आपके घर में रोज नया सामान आ रहा है, घर की साफ सफाई हो रही है। अगर साफ सफाई रहेगी तो माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में विराजमान रहेगी। लेकिन थोड़ी सावधानी जरूर बरते। दीपावली के दिन संध्या के समय सफेद चीजों का दान ना करें। दीपावली के दिन भूल कर भी, आज वीरवार का दिन है तो वीरवार के दिन 4 नवंबर को रुपया पैसा दान ना दें, और सोना भूल कर भी किसी को दान ना देना चाहिए। सोना दान देने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। माँ लक्ष्मी को मनाएंगे तो रोज ही आपके घर दिवाली होगी। रोज दीपावली मनाने के लिए माँ लक्ष्मी एक वजह से नाराज होती हैं। जिनके घर में गंदगी होगी, जिनके घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी भी विराजमान नहीं होती। उस घर में उनकी बहन दरिद्रता वास करती हैं। जिस घर में बड़े बूढ़ों का सम्मान ना हो, ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी विराजमान नहीं होती है। वीरवार के दिन 4 नवंबर के 6:10 से लेकर 8 बजे तक शुभ मुहूर्त है। इस टाइम पर घर में दीपक जलाएं और एक नया झाड़ू लेके आए, पूजा स्थान के पास रखें और अपने झाड़ू की भी पूजा करें, क्योंकि जहां साफ सफाई है वहीं माता लक्ष्मी विराजमान है, और माता लक्ष्मी जी के साथ ही कुबेर देवता और गणेश जी को भी मनाएं। आज के दिन कुछ गरीबों को जितना आप समर्थ है उतना दान दें, लेकिन पैसा नहीं देना है आज के दिन। आज के दिन उनको कपड़े दे, मिठाई दे, और अपने स्वदेशी मिट्टी के दीपक ही जलाए। मिट्टी के दीपक जलाने से अपने देश की अर्थव्यवस्था भी बदल जाएगी और कुम्हार भाइयों का फायदा भी होगा। किसी गरीब के घर में एक नई दिवाली होगी। इसलिए जितना हो सके इस वर्ष आने वाली दिवाली 4 नवंबर को 6:10 से लेके 8 बजे के बीच में दीपक जलाएं, पूजा कर दें, और जो चाहेंगे वह सब कुछ मिलेगा। बस इस बात का ध्यान रखें, किसी का अपमान ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। आपके घर रोज ही दिवाली होगी।